टेंथ क्लास वेलकम टू अवर बायोलॉजी क्लास वंस अगेन लास्ट टाइम वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द मोड्स ऑफ सॉरी वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द डाजशन इन लोअर ऑर्गेनिजम्स एंड इन हायर ऑर्गेनिजम्स वी हैड टेकन द एग्जांपल ऑफ हायर ऑर्गेनिजम्स एज मैन एंड वी हैव ऑल्सो द लोअर ऑर्गेनिजम एज इन केस ऑफ अमीबा दिस टाइम वी विल डिसकस अबाउट न्यूट्रिशन एज अ मेटाबोलिक प्रोसेस सो यहाँ पर मेटाबॉलिक प्रोसेस और न्यूट्रिशन आपका कंसेप्ट यहाँ पे आता है सो so, न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिससे हम कोई चीज़ को ऑब्टेन करते हैं लेते हैं और उसको कंज्यूम करते हैं ताकि हमें क्या मिले एनर्जी मिले उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो न्यूट्रिशन सो न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसमें आप खाने को क्या करते हो लेते हो और उसको यूज़ करके एनर्जी रिलीज करवाते हो उसको आप बोलते हो न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है और मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होती है जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शन होती हैं हमारी बॉडी में चाहे वो डाइजेशन हो गई चाहे वो एक्सक्रीशन हो गई चाहे वो रेस्परेशन हो गई चाहे वो, वो सर्कुलेशन इन ब्लड हो गया रिप्रोडक्शन हो गई ये सब प्रोसेस जो हैं वो क्या होती हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है ठीक है और ये मेटाबॉलिक प्रोसेस इस प्रोसेस में इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म सो so, मेटाबॉलिज्म जो है मेटाबॉलिक प्रोसेस दो टाइप्स की होती हैं एक है एनाबॉलिक और एक है कैटाबॉलिक प्रोसेस सो हम बात करें थे एक है एनाबॉलिक प्रोसेस और एक है कैटाबॉलिक प्रोसेस सो अब हम मूव करेंगे व्हाट इज एनाबॉलिक प्रोसेस एंड व्हाट इज कैटाबॉलिक प्रोसेस इट इज रिटन इन योर नोट्स जैसा मैं आपको बता ही चुका हूं सो एनाबॉलिक प्रोसेस एनाबॉलिक प्रोसेस वो प्रोसेस इट इज अ प्रोसेस इन विच सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सबस्टांसिस टेक्स प्लेस बाय सिंपलर फॉर्म्स ये वो प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स सबस्टांस बनता है कॉम्प्लेक्स कॉम्पलेक्सटांस वो सबस्टांस होता है या जो दो या दो से ज्यादा चीजों से बनता है जैसे हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की तो उसमें कार्बन भी होता है सी सिक्स ट्वेल्व हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होती है सो so, ये एनाबॉलिक प्रोसेस का एक कॉम्प्लेक्स सबस्टांस है तो कॉम्प्लेक्स सबस्टांस वो होता है जो बहुत सारी चीजों से बना होता है ठीक है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस और एनाबॉलिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें छोटी छोटी चीज़ें जुड़ के एक कॉम्प्लेक्स सबस्टांस बनाती हैं जो सिंपलर फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स सबस्टांस बनाती है और ये कंस्ट्रक्टिव होता है नेचर में कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है जो कोई नई चीज़ बनाता है एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देख लो मैं यहाँ पर रिएक्शन लिख लेता हूँ सिक्स सी ओ टू क्या है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड सिक्स एच टू सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इसको जब आप रिएक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स सो so, आप देख रहे हो ये भी सिंपल चीज़ ये भी सिंपल चीज़ इससे देख रहे हो तीन कंपाउंड से चीज़ बन के मिल रही है आपको तो इस प्रोसेस को एनाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं क्योंकि इसमें छोटी छोटी चीज़ें जुड़ के एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाती हैं जो काफ़ी ज़्यादा अलग होता है इसलिए इसको कंस्ट्रक्टिव नेचर बोला जाता है तो फोटोसिंथेसिस की जो मैंने आपको रिएक्शन करवाई ये एनाबॉलिक में आती है प्रोटीन सिंथेसिस भी एनाबॉलिक में आता है क्योंकि प्रोटीन में क्या होता है हमारी बॉडी में जितने भी डाइजेस्टेड अमीनोज होते हैं ना वो सारे जुड़ के दोबारा से प्रोटीन बनाते हैं तो इसीलिए इस प्रोसेस को आप बोलते हो एनाबॉलिक प्रोसेस सो एनाबॉलिक प्रोसेस क्या होती है वो प्रोसेस जिसमें छोटी छोटी चीज़ें जुड़ के एक बड़ा सबस्टांस बनाती हैं जो काफ़ी कैसा होता है कॉम्प्लेक्स होता है फिर आता है कैटाबॉलिक प्रोसेस कैटाबॉलिक वो प्रोसेस होती है जिसमें कॉम्प्लेक्स सबस्टांसिस टूटते हैं इन टू सिंपलर फॉर्म्स और इस फिनोमिनन को बोलते हैं हम कैटाबॉलिज्म और ये डिस्ट्रक्टिव होती है ये उस कॉम्प्लेक्स सबस्टांस को तोड़ के उसको सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट करती हैं जो हम पढ़ चुके हैं पहले डाइजेशन डाइजेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है क्योंकि इसमें खाना जो हम खाते हैं उसमें प्रोटीन होते हैं वो टूट के अलग हो जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो टूट के अलग हो जाते हैं फैट्स होते हैं वो टूट के अलग हो जाते हैं मिनरल्स भी अलग अलग डिसोशिएट हो जाते हैं सो so ये डाइजेशन इसमें आती है रेस्पिरेशन में भी क्या होता है खाना टूटता है आपका एनर्जी रिलीज होती है उसमें से खाने की ऑक्सीडेशन होती है तो ये सब क्या है कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है एनाबॉलिक तो तो और कैटाबॉलिक दोनों के दोनों प्रोसेस बाद में बनाती हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस को ठीक है सो आई होप आपको एक छोटा सा टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग है बट समझ आया होगा एनाबॉलिक में क्या होता है छोटी छोटी चीज़ें जुड़ के एक बड़ी चीज बनाती हैं जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है कॉम्प्लेक्स होती है लेकिन एनाबॉलिक में कैटाबॉलिक में क्या होता है वही बड़ी चीज़ टूट जाती है और सिंपलर सब स्टांस में कन्वर्ट हो जाती है एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक में कैटाबॉलिक में क्या होता है हमारा रेस्पिरेशन अब हम फर्दर अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे सो नेक्स्ट टॉपिक आपको जो मैं टॉपिक यहाँ पे इसकी हेडिंग दे रहा हूँ इट इज़ डेंटल कैरीज डेंटल कैरीज क्या होती है अब आप देख रहे हो आज के इस वर्ल्ड में इस टाइम पे मैक्सिमम लोगों को डेंटल इश्यूज हैं दांत से रिलेटेड इश्यूज हैं मेनली हमारी जो बोला जाता है प्रीमोलर्स एंड मोलर्स प्रीमोलर्स प्री आप जानते हो जो डोगरी में दाढ़ बोली जाती है ये है आपके लास्ट में होती हैं क्रशिंग के लिए यूज़ होता है फूड को ये प्रॉपर वे में ग्राइंडिंग क्रशिंग के लिए यूज़ होता है कि प्री मोलर्स और मोलर्स में बड़े से बहुत सारे लोग हैं जिनको सॉरी टीथ में प्रॉब्लम रहती है ये जो प्रॉब्लम है छोटे बच्चों में भी है और एडल्ट्स में भी है लेकिन ये प्रॉब्लम किसी ने जानी नहीं ये होती क्यों है इसका होने का एक ही रीज़न है जब भी हम खाने में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेते हैं ठीक है तो उसको अब आपको पता है कार्बोहाइड्रेट चपाती भी होगी तो इतना तो चबाने की आपको उसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है ऐसे सॉरी चपाती चपाती जब आप खाते हो चबाते हो तो हो नो डाउट आप लेकिन वो जब प्रॉपर वे में ग्राइंड हो जाती है तो हम उसको प्रॉपर वे में चबाते नहीं खाने को दूसरा रीज़न ये भी है कि मीठी चीज़ें जब हम खाते हैं तो प्रॉपर वे में उसको चबाने की जरूरत नहीं पड़ती वो माउथ में ही पिघल जाती हैं और जब टॉफ़ी वगैरह खाते हैं तो वो क्या होती है उसको चबाते है ज़रूर हैं लेकिन वो उन्हें दांत दांतों में चिपक जाती है जिसकी वजह से टीथों की हमारी जो एज है उनकी जो हेल्थ है वो क्या होती जाती है कम होती जाती है ख़राब होती जाती है तो उस रीज़न को हम क्या बोलते हैं डेंटल कैरीज सो इट इज़ दैट आप कह सकते हो इट इज़ अ प्रॉब्लम क्रिएटेड इन द टीथ इज़ नोन एज डेंटल कैरीज सो इसमें क्या होता है ये टीथ में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है अब पॉजिटिव एजेंट क्या होता है आपको नोट्स में हेडिंग दी हुई है कॉजिटिव एजेंट इन्होंने बोला इट इज कॉज बाय द एसिडोजेनिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया ये एक बैक्टीरिया होता है जो एसिड प्रोड्यूस करता है और इस बैक्टीरिया का नाम है स्टेप्टोकोकस म्यूटेंट्स जितना हो सकेगा भाई इसमें जूम तो उतना तो कर दूंगा मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया है स्टेप्टोकोकस म्यूटेंस अगर आपके नोट्स हैं तो नोट्स को भी आप अंडरलाइन कर देना ये टीथ में जो प्रॉब्लम होती है वो स्टेप्टोकोकस म्यूटेंट्स की वजह से होती है ये एसिड प्रोड्यूस करता है हमारे टीथ में और ये इन प्रेजेंस ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियल सेल्स एंड फूड पार्टिकल्स स्टिक टू द टीथ इनमें क्या होता है बैक्टीरियल सेल्स होते हैं फूड पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे दांतों में चिपक जाते हैं और uh, उसके साथ साथ डेंटल ये स्टेप्टोकोकस uh, म्यूटेंट से तो होता है लेकिन इसके साथ एक और चीज़ बोली हुई है कि इनकी प्रेजेंस में इन द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रपोर्शन ऑफ शुगर अगर आपके खाने में ज़्यादा प्रपोर्शन है शुगर की तो आपके माउथ में एनारोबिक डिकम्पोजिशन होती है शुगर की एनारोबिक समझते हो जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस कम होती है या होती ही नहीं तो वो शुगर जो होती है वो एनारोबिक डिकम्पोजिशन की वजह से हमारे क्या होती है टीथ में रह जाती है जिसकी वजह से हमारे टीथ खराब हो जाते हैं अब सिम्टम्स क्या है सिम्टम्स में क्या होता है इसकी ग्रेजुअली सॉफ्टनिंग होती है एनेबल और डेंटाइन की और ये एनेमल और डेंटाइन में आपको दिखाना चाहूँगा मैं एक और पिक्चर ऐड कर देता हूँ भी आपको ताकि आपको क्लियर हो जाए एनेमल और डेंटाइन क्या होते हैं तो आपको टीज के थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा सो वे क्लास जैसे मैं आपको बता रहा था एनिमल और डेंटाइन में क्या हो जाता है यहाँ पर स्टेप्टोकस म्यूटेंट्स का इफेक्ट पड़ता है और यहाँ पर ये हमारे ग्रेजुअल सॉफ्टन कर देता है एनेमल को अब एनेमल मैं आपको बता दूँ यहाँ पर आप देख रहे हो ये वाइट जो पोर्शन होता है हमारा इसको हम एनिमल बोलते हैं ठीक है ये एनेमल होता है ये एनिमल है हमारा वाइटिश पोर्शन और डेंटाइन आप देख रहे हो अंदर इसका पोर्शन होता है और पल्प आप देख रहे हो ये पल्प होती है बिल्कुल टीज के अंदर जहाँ पे ये प्रेजेंट होती है हमारी यहाँ पर आप कह सकते हो ब्लड वेसल्स वगैरह होती हैं ये पल्प होता है और ये जो होता है डेंटल कैरीज ये क्या करता है हमारे एनिमल को सॉफ्ट कर देता है एनिमल आपको तो हार्डेस्ट पार्ट होता है तो ये सॉफ्ट हो जाए तो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है और डेंटाइन भी डेंटाइन को भी सॉफ़्ट करता है ये अंदर की लेयर होती है जो टीथ को इंटरनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है इन दोनों को सॉफ्ट कर देता है और ये सॉफ्ट किससे करता है बाय द हेल्प ऑफ डी कैल्सिफिकेशन डी कैल्सिफिकेशन क्या होती है इसमें कैल्शियम की रिडक्शन हो जाती है टीथ वीक हो जाते हैं सेंसिटिविटी का नाम आपने सुना होगा टीथ हमारे कहीं ना कहीं क्या होना स्टार्ट हो जाते हैं टीथ uh, की जो स्ट्रेंथ होती है वो भी कम होना स्टार्ट हो जाती है टीथ बड़ी बार टीथ uh, की जो कैल्शियम होती है वो रिमूव होना स्टार्ट हो जाती है सो so, ये सब डेंटल कैरीज की वजह से होता है और रीजन इसका यही है कि यहाँ पे बैक्टीरियल सेल्स और फूड पार्टिकल्स क्या करते हैं टीथ में इकट्ठे होने की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं और डेंटल प्लेक्स भी बहुत बार हो जाते हैं डेंटल प्लेक्स आप देख ही रहे होंगे एक येलो कलर की लेयरिंग बन जाती है तर तर बोला जाता है उसको uh, तो तार बोला जाता है सॉरी तार बन जाती है टीथ के ऊपर जो उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है और एक वक्त ऐसा आता है जब टीथ पूरी तरह से ख़राब हो जाते हैं उनमें कैविटीज़ हो जाती हैं या टीथ में फिर बहुत बार आप देखोगे इन्फ्लेमेशन हो जाती है स्वेलिंग हो जाती है माउथ में भी और पल्प में भी और जो पल्पिटिस प्रॉब्लम को लीड करता है अब ये था टीथ का कंसेप्ट कि डेंटल कैरीज क्या होती हैं लेकिन अब ये भी है प्रिवेंशन कैसे होगी इनकी इसकी प्रीवेंशन के कुछ रीजन हैं कुछ आप क्या कर सकते हो कुछ चीज़ें सो so, उन्हीं में से एक है अवॉइड अवॉइड शुगर रिजिटेबल्स आप वो खाना कम खाइए जिसमें क्या होता है मीठा ज़्यादा होता है और कोशिश यही करनी है हमने रात के टाइम पे मीठा खाना नहीं खाना है नेक्स्ट रेगुलर ब्रशिंग करनी है अ डे दैट मीन्स सुबह ब्रेकफास्ट से पहले और रात को डिनर के बाद खाने को फाइब्रस फूड को खाना है मतलब जो हमारा सैलड वगैरह होता है उसको अच्छे से चबा चबा के खाना है और अपने दांत में जो भी खाना रह गया होता है उसको प्रॉपर वे में क्लियर कर देना है तो ये सब चीज़ें हैं जिनसे हम दांतों को बचा सकते हैं वी कैन सेव अवर्ट ईट फ्राम द इफेक्ट ऑफ डेंटल कैरीज़ सो आई होप आपको ये टॉपिक तो समझ आए होंगे दो तो। छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं पहला डेंटल कैरीज का मैंने आपको बता दिया डेंटल कैरीज से पहले मैंने आपको मेटाबॉलिज्म के बारे में बताया था अब मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है इट इज़ द न्यूट्रिशन इन प्लांट्स अब प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है ह्यूमन का तो हमने जान लिया कि वो बना बनाया खाना खाता है उसकी बॉडी में क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं यू हैव रेड दैट वेरी वेल एंड वी डिस्कस अबाउट अबाउट इट नाउ वी वी विल द न्यूट्रिशन प्लांट्स प्लांट्स ऑल नो दैट प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस हम सब जानते हैं कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस सिंथिस अब फोटोसिंथिस अगर प्लांट्स खाना बना रहे हैं सो so, अब आपको पता है प्लांट्स को भी जैसे हर ह्यूमन बींग को एनर्जी चाहिए प्लांट्स को भी तो एनर्जी चाहिए सो ग्रीन प्लांट्स आर्टोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं और ये क्या करते हैं फोटो सिंथिस अपना खाना बनाते हैं फोटो एंड अब फोटो क्या होता है लाइट सिंथेसिस क्या होता है प्रोडक्शन टू बिल्ड तो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस में ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं यूज़ किसको करते हैं सी ओ टू को Waterman. और सी ओ टू को यूज़ करने के साथ साथ वो क्या यूज़ करते हैं एटमोसफेयर में से वाटर को यूज़ करते हैं एटमोसफेयर में से एयर को सॉरी सी ओ टू को यूज़ करते हैं सी ओ टू के साथ साथ वाटर को यूज़ करते हैं जो सॉइल में प्रेजेंट होता है सनलाइट उनकी क्लोरोफिल टैप कर देती है वहां से मिल जाती है और ऑक्सीजन गैस हमें वो प्रोड्यूस करके दे देते हैं So, इसकी एक रिएक्शन जो मैंने आपको आज ही टॉपिक में बताई है मैं उसको करेक्ट करवाना चाहूंगा इसकी प्रॉपर जो रिएक्शन होती है वो किस फॉर्म में होती है एक है सिक्स सी ओ टू प्लस ट्वेल्व एच टू ओ ये अगर आप नोट करना चाहो तो कर सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ये जो रिएक्शन होती है वो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होती है क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनता है क्लोरोफिल के साथ साथ इनको सनलाइट भी मिलती है क्योंकि क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप कर देती है मिलेगा क्या आप सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स सी सिक्स एच टिक्स प्लस आपको मिलेंगे सिक्स मॉलिक्यूल्स एच टू ओ के सो ये प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की सो so, फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच दे गेट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर

ये इस तरह से इनकी प्रोसेस चलती है अब यहाँ पे एक कंसेप्ट हो रहा है मैं बताना चाहूंगा बड़ी काफ़ी ज़्यादा थोड़ा इंटरेस्टिंग मेरे को लगता है सो so, जो खाना ग्रीन प्लांट्स बनाते हैं वो सिंपल शुगर्स की फॉर्म में होता है जो ग्लूकोज होता है सो so, ग्लूकोज जो बनता है वो प्लांट्स के हर बॉडी पार्ट में ट्रांसफर होता है विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम यू ऑल नो दैट सो फ्लोएम से होने के बाद जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है बेटा ये बड़ा बहुत बार बच्चे मेरे से पहले पूछते आए हैं कि सर स्टार्च क्या होती है सो स्टार्च क्या होती है इट इज़ द एक्स्ट्रा ग्लूकोज प्रेजेंट इन द प्लांट्स जो प्लांट्स में एक्स्ट्रा ग्लूकोज प्रेजेंट होता है वो एक नई टाइप बना है उसको स्टार्च बोला जाता है और ये स्टार्च लीव्स में रहता है सो आप ये नहीं बोल सकते ग्लूकोज अलग है स्टार्च अलग है दोनों के दोनों कार्बोहाइड्रेट्स हैं पर ग्लूकोज थोड़ा सिंपलर फॉर्म है लेकिन ग्लूकोज जब ज्यादा देर तक रहता है एक जगह में तो वो स्टार्च बन जाता है ठीक है तो इस तरह से इनकी ये प्रोसेस चलती है सो इनमें केमिकल एनर्जी जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये फोटोसिंथेसिस में केमिकल एनर्जी स्टोर करते हैं और ये केमिकल एनर्जी ग्रीन प्लांट्स सनलाइट को यूज़ करके बनाती है सो फोटोसिंथेसिस एनर्जी प्रोवाइड करती है प्लांट्स को ताकि वो ग्रो कर सके और ये सब फोटोसिंथेसिस की जो जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो हमारे खाने में प्रेजेंट होती है फ्रूट्स में प्रेजेंट होती है वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होती हैं और ये हमें एनर्जी रिलीज़ करती हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन सो मैंने काफ़ी डिटेल्ड वे में बढ़ा दिया है एक आपके नोट्स में डायग्राम है सो आई विल टेक द डायग्राम फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ यू सो ये है जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है लाइट पड़ रही है सनलाइट पड़ने के बाद आप देख रहे हो स्टेम और ये रूट्स रूट्स वाटर को एब्ज़ॉर्ब कर रही हैं रूट्स वाटर को एब्ज़ॉर्ब करने के बाद देख रहे हो जो लीव्स हैं वो कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड को भी लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड इनके पास आ रही है वाटर यहाँ से लीव्स से सॉरी रूट से होता हुआ यहाँ तक पहुँच रहा है लीव तक और इनमें क्लोरोफिल पहले की प्रेजेंट है क्लोरोफिल क्या कर रही है देख रहे हो आप ये यह यहाँ पे सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रही है सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद जो ग्लूकोज बना इनका वो जब ज़्यादा तक स्टोर रहा था वो क्या बन गया स्टार्च बन गया ये प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की सो अब हम फर्दर मूव करेंगे आगे के टॉपिक में सो जो मकैनिज़म है फोटोसिंथेसिस का वो इतना सिंपल नहीं है जितना हम सोचते हैं होल फोटोसेंसिस जो होती है वो सीरीज़ ऑफ़ रिएक्शंस में इन्वॉल्व होती है और इसीलिए इसके दो फेजेस होते हैं फर्स्ट वन इज़ फोटोकेमिकल फ़ेज फोटोकेमिकल फेज़ के अलग अलग फेजेस हैं एक फोटोकेमिकल बोला जाता है लाइट रिएक्शन बोला जाता है इसको लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन बोला जाता है हिल्स रिएक्शन बोला जाता है ठीक है फोटोकेमिकल फ़ेज ही आ गया फोटोकेमिकल लाइट के में प्रेजेंट लाइट uh, के प्रेजेंस में होता है सो so, बात करेंगे फोटोकेमिकल फ़ेज़ की ये वो रिएक्शन है इसको हिल्स रिएक्शन भी बोला जाता है क्योंकि इसकी जो जिसने डिस्कवरी की थी उनका नाम है uh, उनका नाम हिल था उनका सर नेम सॉरी हिल था इंग्लिश वो बायोलॉजिस्ट थे बायो थे सो so, ये वो रिएक्शन है जो लाइट की प्रेजेंस में होता है इन द थैलाक्वाइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट अब थैलाक्वाइड का भी हम देखेंगे कंसेप्ट मेरे पास शायद पिक्चर होगी इसकी सो so, आप ध्यान से देख लो यहाँ पर ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में ये आप देख रहे हो यहाँ पर ये थैलाकॉइड का स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया हुआ है ये थैलाकॉइड सो ये वो रिएक्शन है जो थैलाकॉयड में होती है क्लोरोप्लास्ट के ठीक है सो so, इसमें होता क्या है सबसे पहले सोलर एनर्जी ट्रैप की जाती है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी पैकेट्स ऑफ एनर्जी को बोला जाता है फोटोन जो आप लाइट चैप्टर में पढ़ चुके हो शायद आपको शीनमिस्ट ने पढ़ाया होगा सो फोटोन पैकेट ऑफ लाइट की फॉर्म में होता है और इस फोटोन को एब्जॉर्ब कौन करता है इस फोटोन को एब्जॉर्ब करते हैं हमारा जो पिगमेंट्स हैं जैसे क्लोरोफिल आ गया और कैरोटीनाइड्स होते हैं ठीक है ये कुछ पिगमेंट्स होते हैं जो इनको एब्जॉर्ब करते हैं उसके बाद नेक्स्ट जैसा आपको बता दिया मैंने सनलाइट पहले स्टेप में क्या होती है एब्जॉर्ब होती है विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल एंड कैरोटीनाइड्स फिर यहाँ पर क्या होता है एक्टिवेट होते हैं क्लोरोफिल ए बी जो फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करती हैं तो आप ये नहीं बोल सकते क्लोरोफिल एक ही टाइप की होती है क्लोरोफिल अलग अलग टाइप्स की होती है तो क्लोरोफिल ए और बी यहाँ पे क्या करती है उस फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करती है तो पहला क्या था सनलाइट एब्जॉर्ब होती है फ्रॉम द पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल क्लोरोफिल ए और बी यहाँ पर एक्टिवेट हो जाती हैं उस लाइट की वजह से और थर्ड स्टेप में क्या होगा फोटो लीसिस होगी फोटो मीन्स लाइट लिसज मीन्स ब्रेक डाउन तो यहाँ पर फोटोलीसिस होती है वाटर की ताकि आपको ऑक्सीजन मिले तो देख रहे हो आप वाटर के साथ यहाँ पर एनर्जी एनर्जी जो थी वो यूज़ हुई और उन्होंने प्रोड्यूस करके दे दिया आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सो ये ऑक्सीजन जो होती है वो फोटोसिज के टाइम पे बाहर रिलीज हो जाती है ठीक है सो ये फोटोलिसिस यहाँ पर होती है तो अब दोबारा से बता रहा हूँ पहला लाइट एब्जॉर्ब हुई फोटॉन्स की फॉर्म में और फोटॉन्स की फॉर्म में वो पिगमेंट्स पे गई पिगमेंट्स पर जाने के बाद उसने क्लोरोफिल ए और बी को एक्टिवेट किया वो होने के बाद फोटोलिसिस हुई वाटर की और वाटर टूट के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग बना दी जो ऑक्सीजन यहाँ पर रिलीज़ होती है वो वाटर से आती है फिर ए बनते हैं विद द हेल्प ऑफ एडिनोसिन डायफॉस्फेट। ए का मतलब होता है एडिनोसिन ए डी एन ओ एस आई एन ई एडिनोसिन डाईफॉस्फेट एक फॉस्फेट का ग्रुप इसमें कम होता है सो एडिनोसिन डायफॉस्फेट रिएक्ट करता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ और बन जाता है ए टी पी तो यहाँ पे ए डी पी ए टीपी बन रहा है और ये जितनी रिएक्शन हो रही है ना ये बाद में काम आएगी अभी अभी बेस तैयार कर रहे हैं हम इसका ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा मैं आपको कुछ लंबा लेक्चर हो गया थोड़ा सा ज्यादा ही सो so, नेक्स्ट है हाइड्रोजन ये यहाँ पर प्रोड्यूस हुई थी ऑक्सीजन तो हो गई इन्वायरमेंट में रिलीज बट जो हाइड्रोजन थी उसको क्या किया वो हाइड्रोजन फोटोलिस ऑफ वाटर से जो प्रोड्यूस हुई वो एन ए डी पी से बनी एन ए डी पी जो होती है वो आपके नोट्स में लिखा है निकोटिनमाइड एडीनिन डाय न्यूक्लोटाइड फॉस्फेट ये दोनों के दोनों एनर्जी के यूनिट्स होते हैं एटीपी और एनएडीपी एनएडीपी एनर्जी के साथ रिएक्ट करेगी और हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगी और क्या बना देगी एन है जो बाद में फर्दर रिएक्शन में हेल्प करेगा सो so, आज इस टॉपिक को हम यहीं पर रखेंगे सो so, इतना ज़्यादा लेंथी टॉपिक शायद आपको समझ में भी ना आए सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा मैं इसको दोबारा से रिवाइज़ करवाऊंगा फोटोकेमिकल फेज़ में सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड हैव अ नाइस डेट